गोरखपुर जिले में मंगलवार को 156 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,463 हो गई है। इनमें से 284 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,652 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,487 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर के 97 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 37 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 22, शाहपुर थाना क्षेत्र में 20, कोतवाली में 5, गुलेरिया में 3, राजघाट में 2, चिल्वाताल में 1, तिवारीपुर में 7 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 7, खोराबार में 14, खजिनी में 2, बढ़लगंज में 2, ब्रह्मपुर में 4, सहजनवा में 3, गगहा में 2, उरवा में 2, जंगल कौड़िया में 1, पिपरौली में 1, कैंपियरगंज में 2, बेलघाट में 1, सरदारनगर में 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 12 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।